ब्रदर, मैं सबसे पहले तो हमारा और हमारी टीम का शानदार और ऊष्मापूर्ण स्वागत करने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे आपने कहा, मैं पूरी तरह उसको फील करता हूं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहां 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी ये हमारी निकटता है और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं। और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक सांझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है। उसी प्रकार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टेट आए, वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है, विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया, वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहां बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में, एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। ब्रदर, मैं ये भी खुशी की बात है आज कि हम लोग बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने जा रहे हैं। इसका भी एक लंबा प्रभाव होने वाला है और मैं मानता हूं खास करके G20 समूह के देश हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि यूएई और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने आईमेक को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है, वो मैं मानता हूं पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इस आईमेक को लेकर के सोचेगी कि ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई और इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने किया है। आदरणीय हाइनेस, मैं ब्रदर ये भी कहूंगा कि आज जो हमारे भारतीय समुदाय का जो एक पब्लिक इवेंट हो रहा है, मुझे बताया गया कि हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, ये आपके सहयोग के बिना, आपके प्यार के बिना संभव नहीं है। और इसके लिए भी मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।